प्रेगनेंसी में संभोग करना सही या गलत, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे लोग मुझे फ़ोन पे पूछते हैं, ऑनलाइन में काउंसलिंग करते हैं, ऑनलाइन में पूछते रहते हैं, और उनका ये सवाल रहता है कि प्रेगनेंसी यदि पत्नी को है तो उसमें संभोग करना नहीं करना। तो प्रेगनेंसी में संभोग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभोग कर सकते हैं। यदि पत्नी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, उसको ऐसा कोई थ्रेट नहीं बताया हुआ है गायनेकोलॉजिस्ट ने या ऑब्स्टेट्रिशियन ने कि भाई नहीं, गर्भ को कोई इजा हो सकती है या आपको केयर लेना पड़ेगा, या प्रीवियस कोई एबॉर्शन की हिस्ट्री नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल चल रहा है, तो प्रेगनेंसी में संभोग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना यह है कि आखिरी जो है 7वां 8वां 9वां महीना जो है, मतलब करीब करीब 24 वीक्स 26 वीक्स के बाद में हो सकता है कि पेट के ऊपर प्रेशर आने से तकलीफ हो सकती है पत्नी को, तो इसलिए फिर फीमेल सुपीरियर पोजीशन में संभोग हो सकता है। मतलब पुरुष ने नीचे और स्त्री ने ऊपर से आरूढ़ होकर संभोग करना, तो वो ही संभोग करते तो फिर प्रॉब्लम आएगा नहीं। और यदि पत्नी को बाकी कोई बीमारी नहीं होंगी या फिर कोई थ्रेट है भाई डिलीवरी को या प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने को, ऐसा कोई थ्रेट बताया नहीं ऑब्स्टेट्रिशियन ने, तो प्रेगनेंसी में संभोग कर सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो वैसे ही लोगों का सवाल आता है कि मासिक धर्म में संभोग करना कि नहीं करना। तो मासिक धर्म में भी संभोग करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि वहाँ हम केयर कितनी लेते हैं अच्छी। मतलब क्या होता है कि वहाँ खून का स्त्राव होते रहता है, और खून का स्त्राव होता रहता है, उसके साथ साथ कोई मटेरियल भी बाहर आता है, यूट्रस का अंदर का जो लेयर रहता है वो भी उसमें का थोड़ा बाहर आते रहता है। अब इसमें करना कि नहीं करना, तो इसमें आप ड्यू क्लीनलीनेस रख के, स्वच्छता रख के, या फिर कंडोम पहन के आप संभोग कर सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये दोनों में भी संभोग करना कोई गलत बात नहीं है, और संभोग किया तो उसमें कोई धोखा नहीं है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों को शेयर करो जिनको ये प्रॉब्लम होगा, और आपको मालूम नहीं कि उस किसको प्रॉब्लम है, तो सभी पुरुष और स्त्रियों को ये वीडियो आप शेयर करेंगे ताकि वो अपने प्रेगनेंसी में या मासिक धर्म में सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।